अपहरण हत्या बलात्कार, मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन सुरागों की बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। निधि गुप्ता को मौत के घाट उतारने वाले सुफियान का एनकाउंटर, यूपी पुलिस और पैर पे माली गोली मार कर करी किया अरेस्ट। कैदी से मिलने गए वकील के चप्पलों से मिली नशे की गोलियां, तलाशी में 2400 कैप्सूल मिले। महिला से गहने लूटने के बाद पकड़ा गया बाबा, लोगों ने कपड़े फाड़ कर की पिटाई। अब खबरें विस्तार से। निधि गुप्ता के मौत के घाट उतारने वाले सुफियान का एनकाउंटर, यूपी पुलिस पैर में मालिक गोली मारकर की हत्या। 14 मंजिल से धक्का देकर 19 वर्षीय युवती की जान लेने के आरोपी सुफियान नामक युवक को लखनऊ पुलिस ने यहां के दुबग्गा इलाके में शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की गोली लगने से सुफियान घायल हो गया है। घायल आरोपियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। एनकाउंटर के बाद एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी को पुलिस स्ट्रेचर पर लेते जाते दिख रही है। दिवंगत निधि गुप्ता की माता लक्ष्मी गुप्ता ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सुफियान की गिरफ्तारी की राहत पर संतोष पर व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी निधि की आत्मा को अब शांति मिलेगी। लक्ष्मी गुप्ता ने अपनी बेटी के कातिल को फांसी की सजा देने की मांग की ताकि कोई भी फिर ऐसा अपराध न कर सके। अपनी बेटी की हत्या की तुलना श्रद्धा वाकर मामले से करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों मामले के आरोपियों को खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दुबग्गा पुलिस थाने के प्रभारी सुखविंदर सिंह भदौरिया ने कहा है कि सुफियान को दोपहर 1 बजे एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान उसने दाहिने पैर में गोली मार दी। इसके इलाज के द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया है कि आरोपी सुफियान पर 25,000 रुपये का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। गौरतलब है कि मंगलवार रात राजधानी में एक धर्मांतरण की कथित कोशिश को लेकर झगड़े हुए। सुफियान नामक युवक ने अपनी कथित 19 वर्षीय प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। कैदी से मिलने गए वकील के चप्पलों से मिली नशे की गोलियां, तलाशी में 2400 कैप्सूल मिले। जेल में एक वकील को नशे की गोलियों सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वकील ने अपने चप्पलों में नशे के इस्तेमाल की जाने वाली एलेप्रेक्स 2400 गोलियां भरकर जेल में अंदर ले जा रहा था। उत्तर प्रदेश में मेरठ में जिले में चेकिंग के दौरान एक वकील को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वकील की चप्पलों से करीब 2400 नशे की गोलियों बरामद हुई है। अहम बात है कि वकील जिस कैदी से मिलने आया था उसकी चप्पलें भी वकील के चप्पलों की तरह ही दिखती है। वकील को गोलियों का जेल के अंदर करने के लिए सिर्फ कैदी से चप्पल बदलनी थी। दरअसल यह मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार का है, जहां सुबह लेकर शाम तक कैदियों से मिलने वालों की कतार लगती है। वैसे तो जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामना नहीं ले जाने की परमिशन है, फिर भी मेरठ के एक चौधरी चरण सिंह जिला कारागार से गिरफ्तार अनुज गुप्ता नाम के वकील को मेरठ के मेडिकल थाना के गिरफ्तार कर लिया है। वही वकील अनुज गुप्ता पर आरोप है कि एक कैदी से मिलने जेल गए थे। मिलाई के समय अनुज गुप्ता ने जो चप्पलें पहनी थी उसमें नशे की गोलियां भरी हुई थी। महिला से गहने लूटने के बाद पकड़ा गया बाबा, लोगों ने कपड़े फाड़ कर की पिटाई। मुजफ्फर में गहने की चोरी करने के आरोप में एक बाबा की जमकर पिटाई कर दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताज़ा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के शाहबादपुर का है, जहां बाबा के वेश में पहुंचे बदमाश को लोगों ने धर दबोचा, जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में दो बाबा आए थे, एक घर में दोनों घुस गए, महिला के गहने लेकर भागने लगे। महिला चिल्लाने लगी, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, बाबा की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि घटना को लेकर अभी तक पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जा रहा है कि लोगों ने बाबा को बांध कर उस पर जमकर लात घुसे चप्पले बरसाए, जिसके बाद बाबा गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इस दौरान दूसरा बाबा भागने में सफल हो गया। पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने गहने मिलने के बाद लोगों ने बाबा के कपड़े भी उतार दिए। पकड़े गए बाबा ने लोगों को कहा है कि वह यूपी में रहने वाला है। बाबा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन किसी ने भी पुलिस से इस मामले की शिकायत नहीं की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए देशों से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं।
MNSNewsTV.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।